हाँ जी, सारे नूं प्यार भरी सत श्री अकाल जी। वीडियो विच जो भी तुसी दस्तार देख रहे हो, वेव स्टाइल दस्तार, मतलब कि लहरां वाली पग, इहदी अज असीं तुहाडे सामने वीडियो लैके आवांगे। इहनूं किद्दां बन्नीदा, किद्दां पेच बनाईदे आ, अते किद्दां डिजाइन पाईदा। सो वीडियो देखण लई साडे चैनल नूं, साडी वीडियो नूं देखदे रहो अते स्किप ना करना जी। ते उस तों पहलां इक निक्की जी बेनती आ, साडे चैनल नूं सबसक्राइब कर दो ते वीडियो नूं लाइक कर दो जी। चलो इस तो बाद आप वधदे आं वीडियो वल। हाँ जी, सब तो पहले की करना है जी, जिहड़ी आप दस्तार सजाउणी आ उहनूं उहदी तह खोलनी आ, उहनूं खिलार लैणा गा। हाँ जी, उस तो बाद इहनूं खिलार के इहदे उपर पानी छिड़कना, हल्का जिहा पानी छिड़कना, पानी दा छिट्टा देना। पानी दा छिट्टा देण तों बाद इसदा पासा पलटना जी। पूरी ज़्यादा गिली नहीं करनी, सिर्फ उन्ना की पानी छिड़कना अपने पूनी होने के लिए, वधिया बन जाए दस्तार का बेस, वधिया बन जाए। उस तो बाद पानी छिड़कन तो बाद इनू हत्था ना नप देना, इकट्ठी करके नपना जी पग नू। फिर की करना, कोई भी एक कनी लैनी, दस्तार दियां चार कनियां होंदियां जी, कोई भी एक कनी लैनी आ, वह कनी नू फड़ लैना। हुण कनी दे दो पासे होंदे जी, एक तंदा वाला पासा उधड़ाया पासा, एक बिल्कुल साफ पासा। हुण आपां की करना जी, एक साइड साफ पासा रखना ते एक साइड तंदा वाला पासा रखना। तंदा वाले पासे नूं रखांगे राइट साइड ते साफ पासा लैफ्ट साइड। दोनों नूं अंदर वल मोड़ देना, उपरों फिर मोड़ देना दोवां नूं। फिर की करना जी, कुंडी नाल बन्नांगे, आ तुहाडे सामने बन रहे जी, गंढ मार देनी है ते फिर दूजी कन्नी तक खिंचना पग नूं। हाँ जी, दूजी कन्नी तक पग नूं खिंचांगे ते पग नूं साफ करांगे। फिर की करना जी, जदों पग नूं दूजी साइड तक खिंच लांगे, फिर इस दे पग दे दो पासे बनाउणे जी, एक राइट वल करना, एक लैफ्ट वल। ते ध्यान रहे, जिहड़ा लैफ्ट वल पासा वह अपने हाथ च कन्नी सीन आउणी चाहीदी आ, पग दी सीन। आपां पग दे विच सीन मरवाउणे आ, पग दे दो पासे हुंदे आ जी, वह सीन वाला पासा अपने खब्बे हत्थ होना चाहीदा अते उसके बिल्कुल सामने साफ पासा होना चाहिए। हुण की करना जी, एक साइड सीन तो फड़ लेना, एक साइड साफ पासे तो फड़ लेना, दोनों पासे नूं अंदर नूं फोल्ड कर देना। हाँ जी, जो दोने पासे अंदर नूं फोल्ड हो गए, दोनों नूं जोड़ देना। फिर की करना जी, इहदे हाफ चो कपड़ा लैना, इन्नी चढ़ाई आ, इहदे इधरली साइड के हाफ चो, लैफ्ट दे हाफ चो कपड़ा लवेंगे पहले ही आपां, फिर उन्हूं राइट नाल जोड़ के राइट दे हाफ चो, जिन्ना इधरों कपड़ा लिया उन्ना ही उधरों लैना। फिर दोनों पासों नूं जोड़ देना जी आपस, तो फिर दूजी कन दू लास्ट तो कन्नी फड़ लेनी है, इहनूं भी फड़ी रखना ते कन्नी फड़ लेनी। फिर इधर ये दो पासे बन गए सी, इन्हां दोवां नूं जोड़ के आपस कनैक्ट करके गंढ मार देनी है जी, एक ते दो, ये दो पासे जुड़ गए जी। हुण गंढ लगा देनी है जी, आ तुहानूं फिर दिखा देना जी, एक ते दो, ये दो पासे अपने लड़ बनाउंदे काम आउणगे, दो दो लड़ बनदे आ, एक हेठ एक उपर, ये दोनों पासे उह लड़ ही आ जी दोने। उहनां नूं की करना जी, आपां थोड़ा जिहा मोड़ांगे, फिर इहदे उपर गंढ लगा देंगे। हाँ जी, हुण गंढ लगा दिए जी। हुण उस तरह ही जिद्दां आपां दो पासे जोड़े आ, इस तरह इहनूं गांह तों भी अगे तों जोड़दे होए अगे वधी जाणा जी, एक दो मोड़िया, फिर अगे, फिर एक पासा, आ दूजा पासा जी। इहनूं हिलाउणा तां क्योंकि अपनी पूनी दे विच जिहड़ा अपनी सिर दे उपर शेप बणदी दस्तार दी, मोटे लाड़ा हिलाउण करके सारा कपड़ा नीचे चला जाता, वह दस्तार के उपर आ अपनी साइड पर, ता करके असं हिला रहे हैं। जो नीचे वाला पासा ये हमेशा राइट साइड के उपर हों, लड़ हो गई जी, बस उस तरह इन अगे ले जाना, इतों खोल देनी है गंढ। हूँ जी, आप दस्तार सजावे बेस अपने अकॉर्डिंग, जो भी बनना हों पहला बन लेना जी। मैं बिल्कुल अद्धा मीटर कपड़े का बेस रखे जी, उस तरह ही लड़ रखना मूँह, जिदा आप दूजिया पगा का लड़ रख दें। पहला लड़ आवेगा जी अपना सिर उपर दी,
जिदा पूनी च थोनू दिखाया सीगा जी दो पासे बनाने आपां। हुण की करना जी, पहले लड़ विच ओह दोनों पासियां नू अड्डोडी नहीं करना जी, उन्हां दोनों पासियां नू इकट्ठे कर देना, एक कर देना। दोनों पासियां दा पहला एक लड़ बनाउणा, फिर चुंडी नाल लड़ खिंचना जी। पहले लड़ दा तरीका दूजे लड़ां दे तरीके नाल अलग होगा। आ हुण आपां एक लड़ बनाता दोवां नू जोड़ के, एक लड़ हो गई। हुण इहदे उपर ही आपां दूजा लड़ बनावांगे उपरों चुंडी वढ के, क्योंकि इसकी चढ़ाई भी ज़्यादा सी ते लड़ सोहना बन जाएगा। हाँ जी, अपने पहले लड़ते दो लड़ बन गए। हाँ जी, हुण दो लड़ बन गए, इन्हां नूं लगा देना जी बाज मारना विच। एक गल का ध्यान होर रखना जी, ये लड़ां विच गैप थोड़ा जिहा ज़्यादा होना चाहिए गा, बिल्कुल घट भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपां इहदे वेव स्टाइल बनाउणा जी, बाद विच लहरां बनाउणियां इहदे विच, ते उहदे च आपां नूं दिक्कत आऊगी, इस करके गैप ज़्यादा होना चाहिए। राइट साइड तो उसे तरह ही जिद्दां आपां लड़ रखदे हां। हुण दूजा लड़ पहले लड़ नूं अलग लगेगा, जिद्दां पहलां तां आपां दोनों एक साइड च ही कर ले सी, इहदे च की करना उपरला लड़ अलग खोलिया, आ हुण नीचे वाला लड़ आ। पहला बनावांगे आपां नीचे वाला पेज, नीचे वाले दा जिहड़ियां दो साइडां तुहानूं पूणी च दस्सियां सी, इह ओह चीज़ आ जी। पहला बन गया नीचे वाले का लड़, हुण इस तों उपर वाले का बनूगा। नीचे वाले नूं अंदर फोल्ड करता, उपर वाले नूं भी अंदर फोल्ड करता, अलग अलग आ बन के दो लड़। ठीक है जी, बिल्कुल सौखा तरीका जी। हुण इहदे विच आपां बाज मारांगे, हाँ जी बाज भी तुसीं देख सकते हो काफ़ी डूंघाई तक जा रहा, कम से कम एक इंच का गैप होना चाहिए जी लड़ां च, भी एक इंच तक बाज अंदर जाना चाहिए जी। हाँ जी, अपना हो गया दूजा।
हाँ जी, ये अपनी पग का चौथा लड़ सीगा। दो लाड़ी ये बन गए दो पेज। जिदा दूजे लगाए पिछों बैकसाइड तक पूरी सफाई करनी है जी, उस तरह इनू लगा देंगे। तो हूँ इस तो बाद जरूरी गल, जो अपनी पग का पंजवा पेज हों, जेकर अपनी पग के छे लड़ बनते हैं ना, तो वो पंजवें लड़ की शेप तो डिपेंड होंगी अपनी पग, पंजवें लड़ ने ही अपनी पग की शेप बनानी होंगी। हूँ इस तो बाद जो लड़ ये उपर लगेगा ये अपनी पग की शेप बनाएगा। ध्यान ना देखना जी, राइट साइड तो उस तरह लगेगा, बस इनू थोड़ा जहा नीचे खिंचना राइट साइड तो। हाँ जी, हुण लैफ्ट साइड तो जिधर लड़ बनती है, लड़ ये भी दो बन गए, पर यह एक चीज़ का ध्यान रखना जी, ये शेप बननी चाहिए पग की, फ्रंट तो भी ते बैक तो भी। ये लड़ ज़्यादा चौड़ा नहीं लगाना गा। उस तरह दो पेज बन गए थे, ये वधिया शेप बननी चाहिए लड़ की। हाँ जी, उपर तक पूरी अते बैक साइड तक भी, क्योंकि जिहड़ा अखीरला लड़ा वो ये उपर बिल्कुल सिंपल तरीके आ जाएगा। इस लड़ ने अपनी सारी दस्तार की शेप बना देनी जी, बाय नाल चंगी तरह सफाई कर लेनी है जी। हाँ जी, बैक साइड तो भी साफ करना ही लड़, एक बार लड़ भी चेक कर लेना भी अपनी दस्तार का लड़ घट ना जाए वगैरह। हाँ जी, हुण आपां पग का अखीरला लड़ लगावांगे, छेवां लड़। राइट साइड तो पूरी वधिया सफाई नाल लगाउणा जी। ये इनू ज़्यादा टाइट भी नहीं लगाना, तो ज़्यादा ढिला भी नहीं लगाना, क्योंकि ज़्यादा टाइट करने नाल भी शेप खराब हो सकती है, तो ज़्यादा ढिला रखने नाल लड़ हिल सकता जी। ये बस नीचे वाले पेज के अकॉर्डिंग टकाना जी, इनू बिल्कुल आरामदारी ना पग बननी है जी, कोई काली नहीं करनी। हाँ जी, हुण इह च आपां बाज मारांगे, लड़ लग गया बिल्कुल सिंपल तरीके नाल ही रखिया, हुण बाज नाल सफाई होवेगी जी इहदी। हाँ जी, बाज की मदद ना सारी पग की सफाई कर लेनी है जी। पग बनने तो बाद जरूरी है ध्यान रवे भी आपां पग की सफाई करनी है जी, मेन फ्रंट तो लैके बैक तक पूरी ओके करके। हुण इस तो बाद आपां सफाई करके इहदा लास्ट लड़ लगावांगे जी, जिद्दां आपां अखीरला पेज हुंदा कलगी लड़, कलगी लड़ लगावांगे जी इहदा आपां। सब तो पहला आप की करना जी, एक पेन लैनी है, पेन नू आपां नक की सेध सीधा थोड़ा अगे करके लगाना जी, फिर आपां परली साइड तो लड़ बनावांगे, पेज बनावांगे।
अखीरला लड़ हुंदा कलगी लड़ वह बनावांगे। सारा लड़ खिलार के उन्हों एक बारी ला के देखना, उस अकॉर्डिंग खिलारना भी वह सोहना लगे तो टिक भी जाए, पूरा पासा कवर कर ली। हाँ जी, इधर मैनू कर देना थोड़ी एक बार दिक्कत आई क्योंकि पग का पासा पाटिया होया सी, थोड़ा टाइम लगेगा हजे। हाँ जी, बाय नाल भी साफ करना ही आपे नू, जो सही तरह लड़ बन जाए साफ बन जाए उन्होंने लगा देना गई। तो जिहड़ा आपां पग पिन लाया वो आसरी इहनू तां चकना, उहदे आसरी मोड़ना ही, पग पिन दे सहारे नाल ही मोड़ देना। तो जेकर कोई तांद आउंदा उहनू उस जगह तो ही अंदरों फोल्ड कर देना ही। जिद्दां कि मेरे लड़ दे तांद आ रहा, इहनू आपां बाय नाल फोल्ड कर देंगे अंदर, जां हाथ नाल कर देंगे, नॉर्मली हुंदे जी इह तां। हाँ जी, अखीला लास्ट वाला लड़ लगाता जी आपां। तो हुण आपां की करांगे, इस तो बाद अगले स्टैप वाल वधांगे, इहदे च वेव्स पाउणे आपां। वेव्स किद्दां पावांगे, की करना जी, बाज की मदद नाल वेव्स पावांगे। उंगल ते अंगूठे नाल पेच नूं साइड तों नप्पणा ते बाज नाल उहदे वेव्स बनाउणे। जिद्दां उंगल नाल नप्पिया उपरों अंदर वाल फोल्ड करता, ये बन गई जी इहदे वेव्स। इस तरह ही बैक साइड तों, इस तो उपरले लड़ भी बिल्कुल इस तरह होएगा। सेंटर चो उंगल ते अंगूठे नाल नप्पना ते बाज नाल अंदर वाल मोड़ देना। हुण परली साइड तो भी उसे वाल
उस तरह ही बैक साइड तो भी इस तरह करना अपने वेव्स बन जाएंगे। ये बिल्कुल सौखा तो आसान तरीका ही वेव्स बनाने का। हाँ जी, जिदा थोनों तरीका दसिया उस तरीके ही वेव्स बनावांगे। हुण आपां ही सेंटर विचकार उंगल ते अंगूठा रख के बाज नाल अंदर वाल फोल्ड करना, उस तरह ही फिर फ्रंट ते उस तरह ही बैक ते। एक तरीका ही यह सारा आपां करना 11 ते 11 पेचां च, फिर वेव्स बन गई। बाकी तुसीं देख सकते हो जी, हुण हाँ जी, जिदा कि हम तुम देख सकते हो तकरीबन अपनी दस्तार च वेव्स पा लिया जी। ये समझाने का सिंपल तरीका सी जी, बिल्कुल इस तरीके बिल्कुल आसान वेव्स पैन गई लहर कहने जिन्होंने आप जी। तो कई वीर कहेंदे भी तुम वीरे इदा की दस्तार सजाने इदा वीरे ना असं त सजाने क्योंकि छोटे बच्चे आ जोड़े उन्होंने दस्तारा बहुत पसंद आ, उत्साह पैदा होंगे वीरे उन्होंने मन च बच्चा के मन च इस दस्तार ली ता करके सजाने वीरे। बाकी दस्तार की कदर सारे करते हैं वीरे, दस्तार नाल प्यार ही दस्तार नूं प्रमोट करते जी, तो सपोर्ट करनी है जी वध तो वध। जिदा असीं आह वाली दस्तारा सजाने होर भी नवें नवें डिजाइन तां सजाने क्योंकि उत्साह पैदा होवे, लोग जिदा लोग हेयर स्टाइल बनाउंदे आ असीं आपदे दस्तार दे स्टाइल बनाउंदे आ वीरे। बस दिलों रिस्पैक्ट आ दस्तार लई, तो यही साडा धर्म आ। तो जिहड़ा भी वीडियो देख रहा गा इस वीडियो नूं वध तों वध शेयर करना, लाइक करना, तो चैनल नूं सबसक्राइब करना जी। तो चैनल दे सबसक्राइबर बहुत घट आई, बाकी तुसीं सपोर्ट करनी है जी, तो साडी हैल्प करनी बस सबसक्राइब करन ते दस्तार नूं वध तों वध प्रमोट कर सकीए। तो बाकी वीरे जेकर किसी वीर ने मेरे गाने नहीं सुने, मैं गाने भी रिकॉर्ड करता जी, लिखता भी हाँ। तो मेरा मेन मोटिव यही है भी कल नूं गाणिया राही मैं दस्तार नूं प्रमोट करा। मेरे एक बारी जाके जरूर गाने सुनने जी, मैं अपने चैनल ते गाने पाए हुए आ, ते होर भी पाऊंगा। हुण नैक्सट मंथ मेरे गाने आ रहे जी, 6-7 गाने इकट्ठे आ रहे आ। सो तुहाडे वर्गे वीरां भैणां दी सपोर्ट दी लोड़ आई, प्लीज़ जाके जरूर गाने सुनना ते वीडियो नूं शेयर करना जी। बहुत बहुत धन्यवाद।